चाहिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। कब कहां आप चले जाइएगा किसी को पता है? इस्तीफा दे दिया। क्या आपको पता है अल्टू सल्टू फिर एक बार पलटू। आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे होंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार ऐसा है कि वहां पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे रहे हैं। आपने कभी सुना है या देखा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए? आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देने वाले हैं, वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बता दें कि वहां बिहार में इतना ज्यादा ये सारे चीज चल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री एक गिरा हुआ और एक गैर तरीके से मुख्यमंत्री बना है। आप ऐसे अभद्र भाषा जैसे टिप्पणियां भी कर सकते हैं, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कमी है। ऐसे पलटूकार मुख्यमंत्री होना एक गंदा बिहेवियर जैसे लोगों को सोच आता है। बता दें कि मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देने वाले हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बता दें कि इस त्याग पत्र को जब देंगे तो अब पता होगा आपको कि फिर से बीजेपी में जाने वाले हैं, और ये कब तक बीजेपी में रहेंगे ये भी उन्हें पता नहीं होगा। बीजेपी से फिर एक बार पलटकर कोई और पार्टी में जाने वाले हैं। बीजेपी को इनको अपनाना ही नहीं चाहिए, बीजेपी एक सख्त पार्टी है। अगर बीजेपी में ये चले गए तो फिर से बीजेपी को धोखा देंगे। आपको पता है कि जब भी बार ये पलटे हैं इधर से उधर सिर्फ धोखाधड़ी ही करते हैं। बीजेपी को अपनाकर इनको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के एनडीए ज्वाइन करने पर बीएसपी नेता मालूक नगर में कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वही नीतीश कुमार के साथ हुआ है, 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। बता दें कि ऐसे पलटूकार अगर सीएम हो तो कहीं पर भी विश्वास करने के लायक नहीं है। अगर अभी बीजेपी ज्वाइन इसको करा रही है तो फिर से बीजेपी धोखा दे करके नीतीश कुमार पलटू भाग ही चलेंगे। फिर से इनको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको पता होगा कि फिर से ये मुख्यमंत्री ना बने, मुख्यमंत्री का कोई और कुर्सी बिहार का उड़ा ले जाएगा। आपको क्या लगता है कि फिर से ये इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा ना के बराबर होने वाला है, और ये पलटूकार का कोई भी अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। अभद्र भाषा बोलने वाले कभी भी मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनने वाले हैं। अगर बीजेपी इसको अपनाती है तो शायद बीजेपी से कुछ लोग निराश हो सकते हैं और बीजेपी में जाकर फिर एक बार ये धोखाधड़ी करके वापस पलट जाएंगे। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और ऐसे गंदा बिहेवियर वाला मुख्यमंत्री आपको कहीं भी देखने को भी नहीं मिलेगा। ये एक गिरा हुआ व्यक्ति है जो नीतीश कुमार है। मेरे मुख से कुछ गलत बातें निकल रही होंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बीजेपी में जाने के बाद फिर से ये बीजेपी को धोखा देकर कोई और पार्टी में शामिल हो ही सकते हैं। आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं।